गुरु प्यारी सा संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। आज का टॉपिक है हर मुश्किल का हल सतगुरु है। प्यारी सा संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आते हैं कि इंसान मुश्किलों से गिर जाता है। इंसान के जीवन में निराशाओं के बादल छा जाते हैं तो आदमी बहुत परेशान होता है, क्योंकि इंसान के वश में कुछ होता नहीं है। आदमी बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है, मगर इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। तो अब भलाई इसी में है कि हमने अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देना है। प्रभु के हाथों में जीवन की डोर सौंप देना है। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कि हार और जीत सब परमात्मा के हाथों में है। तो भक्त अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं, और जब हम परमात्मा के हवाले हो जाते हैं तो प्यारी सा संगत जी, फिर परमात्मा हमारी हर मुश्किल को हल करते हैं। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों की हर मुश्किल आसान करे। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों पर मेहर करे, एहसान करे। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों की झोली रहमत से भरता है। पूर्ण सतगुरु निज भक्तों पर आई आफत हरता है। लाभ जीत हर ओर मिले जो पूरे गुरु की पुस्त पनाह, कहे अवतार दिलाए शोभा सतगुरु की बस एक निगाह। तो सतगुरु की नजर जब पड़ती है तो इंसान का जीवन बदल जाता है। संतों ने समझाया कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, कि हर हाल में हमें परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़कर रहना है। क्योंकि समय है, ये वक्त है, बदलता रहता है, लेकिन जो परमात्मा के साथ में हमेशा जुड़कर रहते हैं, जिनकी मनोदशा एक जैसी रहती है, जो सहज रहते हैं, एक रस रहते हैं, तो कभी डामाडोल नहीं होते। वरना मुसीबत में इंसान डामाडोल हो जाता है। जब परेशानियां आती हैं तो फिर इंसान का दिमाग काम नहीं करता। लेकिन जो शुक्राने के भाव में रहते हैं, रब की रजा में जीते हैं, परमात्मा पर जिनका पूरा ईमान बना रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें ही हमारा भला है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं तो भक्तों की भलाई के लिए ही करते हैं। प्रभु के हर कार्य में कुछ ना कुछ राज होता है, जो हमारी समझ से बाहर होता है। तो फिर संत महात्मा प्रभु के हवाले हो जाते हैं, प्रभु की मर्जी में जीना शुरू करते हैं। और जब हम परमात्मा की मर्जी में जीते हैं तो फिर कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता। पहाड़े कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, मुसीबत आए, हमें कभी सत्संग सेवा सिमरन नहीं छोड़ना है। जो हर कंडीशन में हर हाल में सत्संग करते रहते हैं तो उनकी मुश्किलें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। सत्संग करने से ही मुश्किलों का हल मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मुसीबत परेशानियां जीवन में आती हैं तो इंसान सत्संग सेवा सिमरन करना भी छोड़ देता है। तो हमने ऐसा नहीं करना है। सत्संग सेवा सिमरन अगर हम छोड़ेंगे
तो परेशानियां और बढ़ती हैं, इंसान और उलझता हुआ चला जाता है। तो जीवन में अगर सुलझना है, अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो निरंतर हर हाल में कितनी भी परेशानियां, कितनी ही मुसीबत हो, सत्संग सेवा सिमरन नहीं छोड़ना है। और जो मुसीबत में परेशानी में भी सत्संग सेवा सिमरन करते रहते हैं, सद्गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ते, सद्गुरु के चरणों में अपना मन लगाए रहते हैं, तो सद्गुरु फिर उनकी हर परेशानी का हल निकाल देते हैं। पूर्ण सद्गुरु ने इस भक्तों की हर मुश्किल आसान करे, फिर यह हर मुश्किल आसान कर देता है। हमें सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है। गुरु जो कर रहा है इसी में हमारा भला है। और जिस दिन हमें यह यकीन हो जाता है कि हर काम गुरु की मर्जी से हो रहा है, तो फिर हमारे जीवन की सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन लंका जी।